हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम खेलने लगे माइनक्राफ्ट। तो ये वाली इस वीडियो के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारे जो फार्मर्स हैं ना, उनको मैं एक जगह इकट्ठा करूँ और उनसे मैं ट्रेड करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले सकता हूँ। और जैसा कि अगर आप देख रहे होगे तो ये जगह पहले से थोड़ी ज़्यादा फ्लैट है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ये जगह ना पूरी फ्लैट कर दी थी, क्योंकि एक तो टॉर्चेज लगाने में मुश्किल हो रही थी और ये एक अच्छा भी निकाल कर रहा था, पहले से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है ये। और मैं थोड़ी देर तक वो करता रहता हूँ, AFK रह लेता हूँ। और मैंने जाके थोड़ी माइनिंग की थी तो मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं। मैंने ये अपनी जो जिससे मैंने ये तोड़े थे ना, उसको भी मैंने एक बारी वो इंचांट कर लिया था। तो आप सोच सकते हो मैं इस एक्सपी फार्म से कितनी एक्सपी ले चुका हूँ अभी तक, और मैंने 3-4 यूज़ किए थे। तो और मैं जब एक बारी ऑफलाइन माइनिंग के लिए गया था, तब मेरी पिकेक्स टूट गई थी, जो अनब्रेकिंग थी 3 वाली और एफिशिएंसी 3 वाली है। तो वो तो नहीं मिली मुझे बाद में, पर मुझे ये वाली मिली थी, ये पिकेक्स के अंदर ये डाला एफिशिएंसी 2 और अनब्रेकिंग 2। तो मैंने कहा ये भी अच्छी है, और फिर मैं कर ही रहा था तो मैंने अपने ये अपग्रेड भी कर लिया। मैंने अपनी वो भी अपग्रेड कर ली, पिकेक्स स्वॉर्ड शार्पनेस 2 और नॉकबैक 1, अनब्रेकिंग 1 और बो तो पावर 1 वाली है ही। तो मैंने ये सब कुछ किया था। तो आज का मेरा प्लान है, इसको एक सेकंड इसको एक ना पीछे लगाते हैं, पूरी सिमेट्री में लगाते हैं। और आज का मेरा प्लान है कि मैं विलेजर्स लेके आऊँ और ये और मैं थोड़ी ना केव एक्सप्लोर करके उनको मतलब ख़त्म कर दूँ, क्योंकि केव जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा मॉब्स को स्पॉन करने में प्रॉब्लम होगी। और मैंने ये देखो, तब से मैं AFK था, साथ साथ मैंने ये भी लेता गया, क्या ये पेपर। तो अभी मैं इधर जाऊंगा लेदर लेंगे, इधर चलते हैं। और मुझे एक चीज़ और याद आई, और मैंने ना शीप और उसका काउस की जगह अलग करनी है। तो फिर मैं अभी दोनों की जगह अलग करके उसके बाद वो करूँगा, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते थे, उसके बाद शीप्स की मैं सारी वूल निकालता रहूँगा, और काउस को मैं बीच में मारता रहूँगा, क्योंकि जैसे मुझे अभी भी चाहिए तो उसके लिए। और ये देखो इतनी सारी डर्ट जमा हो गई है, तो अभी मुझे बनाने हैं कितने, 5 बन जाएंगे, अभी 5 ही ठीक हैं। अभी डिफरेंस देखते कितना पड़ेगा। तो अगर मैं इधर जाऊँगा और मान लो मैंने कुछ अपग्रेड के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, ये बो ले लेते हैं, और वो करवानी है ये देगा लेवल 3 में, और इसके लिए लेवल 6 होना चाहिए। अगर मैं ऐसे रखूँगा कितना होगा, लेवल 12 पावर 2 मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसको हॉर कर दूँगा ऐसे, तो अब कितना होगा, लेवल 16 पावर 2, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको साथ में अपग्रेड करवा के मैं कुछ ले लेता हूँ साथ में, रुक जो देख, पावर 2 है ना, तो मुझे ओ भाई भाई भाई, और एक तो मुझे इन्फिनिटी भी चाहिए, तो मुझे उसके लिए भी विलेजर्स चाहिए। तो पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले ना मैं फेंस वगैरह बना लेता हूँ, ताकि इन दोनों काउज और वगैरह को अलग कर पाऊँ। तो सुबह तो हो गई है, ये डार्क ओक भी ले लेते हैं, ठीक है। और इधर से स्टिक्स बना लेते हैं, कितनी इतनी काफ़ी होंगी मेरे ख्याल से, इधर भी पड़ी हैं, 2 पड़ी हैं, और कहीं पड़ी हैं स्टिक्स, इधर नहीं पड़ी, इधर भी नहीं पड़ी होंगी, इधर भी नहीं पड़ी हैं, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं फैंस, कितनी बन जाएंगी, 3 देखते हैं, 51 मोर देन इनफ है। तो अभी हम जाते हैं इधर, इनको इधर रखते हैं हम, और फूड हमारे पास है, ये ब्लॉक्स को भी हम वापस रखते हैं, ये बुक को हम इधर रखते हैं, और ये फेंस को हम ले पकड़ लेते हैं, रात भी हो रही है, नहीं अभी नहीं सो सकते। तो मैं साथ में इनको ब्रीड करवाते रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि इनका इधर से छोटा सा पाथवे बना देते हैं, हाँ इधर से ठीक रहेगा। तो ऐसे ऐसे ऐसे, 3 उधर 3 इधर, इधर से बीच में से आते रहेंगे,
मैं साथ साथ में बना रहा हूँ। इधर मैं सारी काउस को ले आऊँगा तभी थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। नहीं नहीं ये काटो। और मैं ना इनके लिए गेट बनाऊँगा। मैंने वो शीप्स के लिए गेट भी बनाना शीप्स के लिए भी। इतना ठीक हो जाएगा क्या? और इधर तोड़ते हैं, ये आ जाएगा कैसे? ये आएगा तीन है ना उधर, तीन ऐसे, एक दो तीन। अच्छा ये ऐसे आ जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे चाहिए नहीं, नहीं चाहिए। इधर एक चाहिए बस। तो मुझे अपना दूसरे कलर वाला चाहिए नहीं था। अब मैं ऐसा करूँगा ना, जैसे मान लो मैंने ये कॉर्नर पकड़ा, इस कॉर्नर के ऊपर ये लगा देते हैं, ये अभी ऐसे कॉर्नर्स थोड़े चमका देते हैं। और ये कॉर्नर पे लगा दिया मैंने, इससे लाइटिंग भी ठीक ठाक रहेगी। ये इधर लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं और एक इधर लगा देते हैं। चलो ये हो गया। और अभी हम इसको ऐसे करते हैं और अभी हम सोने चलते हैं, मैं आपको सुबह मिलता हूँ। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, तो मैं मेरे जितने भी ये फैंस हैं इनको हम वापस रख देते हैं। और अभी ना मुझे गेट बनाना है, तो गेट के लिए मुझे वापस वही चाहिएगा, मुझे ये लकड़ चाहिएगी। और स्टिक्स कहाँ रखी हैं मैंने? स्टिक्स सारी यूज़ हो गई हैं, वाह स्टिक्स सारी यूज़ हो गई हैं। तो ये दो बनाते हैं और गेट के लिए तो बन जाएगा ना गेट, एग्जैक्ट दो गेट बनेंगे तो ठीक है। और स्टिक्स बची हुई हैं, उसको हम रखते हैं वापस इधर। और ये तीर कमान को भी मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए इधर ही रख देते हैं। और मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी वो चाहिएगी लीड, अगर होएगी मेरे पास तो। तीन लीड हैं तो मैं ऐसा, क्योंकि इसके अंदर से मूव करना बहुत मुश्किल होएगा, देखते हैं कैसा करना है। मैं इसको इधर तोड़ता हूँ और मैं लगाता हूँ इधर, ठीक है। इधर ऐसे आया करूँगा, ये बंद, और ये मैं लगाऊँगा मिडल क्या, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो मिडल हम ये मान लेते हैं, इधर हम एक ये रख देते हैं, ये हो गया। और ये तोड़ देते हैं, अंदर का सारा तोड़ देते हैं, या फिर हम दो बना लेते हैं जगह। तो उसके लिए भी पहले हम इसको इधर रखते हैं और अब भाई साहब इसको तोड़ते हैं। अब देखते हैं कोई कौन कौन आता है। ये आ जाओ सारी जगह सारे फैल जाओ। जो जो तीन शीप बचेंगे उनको मैं लास्ट में शिफ्ट कर दूंगा। पहले ना मैं वो लेके आता हूँ वीट शिप। शीप साइड ऑफ साइड मैं मारना नहीं चाहता, मर जाएगी बेचारी। मैं उसको हल्का सा टैप देता हूँ। नहीं भाई साहब, हाँ अगर मैं इधर से लेके गया और इधर से बंद कर दिया, हाँ अंदर ही बाहर ही है ना। हाँ नहीं भाई, अंदर अंदर तेरा फ़ायदा है, बाहर आ गई तो मैं मार दूंगा इसको। तो अब इसके ऊपर है कहाँ जाना है इसमें। मेरा वो कहाँ थी, मैंने वीट अपनी सारी खिला दी क्या इनको यार? तो मैं आपको ये सारी वीट काट के मिलता हूँ। तो गाइस मैंने अभी ये सारा कर लिया है और ये भेड़ निकली है ना। ओ भाई भाई भाई, मुझे लग नहीं रहा था पर इसके अंदर स्वीपिंग एज है, मतलब है भाई कुछ तो है। तो अभी मैं अगर ऐसे जाऊंगा और ये गेट बंद कर दूंगा तो मैं अंदर तो आ जाऊंगा, पर मुझे इसके लिए ये गेट बंद कर। अरे भैया जी क्या कर रहे हैं लोग, आओ सारे इधर आओ, सारे इधर आओ। सारे इधर आ जाओ। और कौन है? ये आ गए। अब ना मैं, अगर मुझे जगह मिलती है
एक तो इसको बंद करो, ठीक है। और मैं ना अभी थोड़ा कत्ल कर रहा हूँ इधर, जगह नहीं मिल रही है मुझे जाने की यार। हाँ अब अगर मैं करूँगा तो ये लगाऊँगा, ये देखो ये देखो ये देखो सामने जो आ रहे हैं, ये पकड़ते हैं और अरे भाई साहब मैं इधर से उनको मार रहा, शिफ्ट भाई साहब पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो। मैं ना ऐसे करता हूँ, अपना ये जो चीज़ है ना इसको मैं ये हाथ में पकड़ता हूँ और ये मैं तो दूसरी तरफ आ गया नहीं। चलो भाई साहब एक एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, अब मुझे इधर इधर भी एक लगाना है और मुझे ये काट के भी एक लगाना है। ओ भाई एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी, बस अब इधर इधर कितने कितने आ गए हैं 34, ये देखना भाई साहब कितने सारे आ गए हैं मेरे पास। तो अभी मैं और नहीं मारूंगा, अभी मैं चलता हूँ इधर, इसको बंद करते हैं पहले जो भी हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद मुझे खाली ढूंढनी है शीप्स, तो मैं शीप्स को लीड पे लेके जाऊंगा, लीश पे लेके जाऊंगा। मुझे पता है ये बहुत स्लो है, पहले मैं सारी शीप्स को उधर करके मिलता हूँ आपसे, उधर सारी शीप्स को शिफ्ट करके मिलता हूँ। तो गाइस अभी मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुका हूँ और मुझे शीप्स उधर लेके जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ना शीप्स उधर नहीं लेके जा सकता। तो मेरे पास सबसे अच्छा आइडिया है, मैं शीप्स को मार दूंगा। मुझे पता है मैंने शीप्स को गाने में बहुत ज़्यादा शीप्स को वो ब्रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया था, पर कुछ नहीं होता, एक बार मार देंगे तो वापस कर सकते हैं हम। तो ये मैं अपने पास ही रखता हूँ, ये इधर ये इधर ये इधर, और ये तो साथ साथ मेल्ट होते जाएगा, ये फ़ायदा ही है। और मैं सोच रहा हूँ ना कि पहले ये हमारे है कोई इधर, नहीं कोई इधर है तो नहीं, तो तभी मार देते हैं एक बार इसको। ये दो दो थे यानी मैंने मार दिए हैं, इनकी वजह से ना मुझे ये मिल जाता है जिससे मेरा फ़ायदा हो जाता है। और अभी सो जाते हैं एक बारी कल सुबह उठ के। कल सुबह उठ के जो अभी जो शीप्स बची हुई है ना उनको मार देता हूँ मैं, ये मैं खाता हूँ। और इधर अरे भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं होता कर देते हैं। इधर ये वाली साइड मुझे काउस को मारना है, वो वाली साइड मुझे शीप्स को मारना है, तो मारते हैं मारना शुरू करते हैं। काउस को मारना है क्यों है यार, काउस शीप दोनों अपने अपना करते हैं, काउस को मारते हैं मैं इसकी। दोनों का अलग अलग बान होएगा, ठीक है पहले बना देना चाहिए था। यार शीप को नहीं मारना था मैंने, मेरी वो उसकी भी हेल्थ बहुत कम है। स्वॉर्ड की तो सीधा चलते हैं, इसको मारते हैं और
इसको मारते हैं, और कौन बचा, इसको मारते हैं, 17 HP 17 वो बची मेरे पास, ठीक है। अब मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इधर, ये एक तो इधर मर गई, और ये चलते हैं, नहीं जा नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। चला गया, मैं पहुँच गया। ये मारो, पूरी शीप घिर रखी है काव से। ये मारो, और कौन बचा, और ये लास्ट बची है मेरे ख्याल से, तो सारी शीप्स इधर तो नहीं, ये भी बची हैं। कितनी 30, ये भी मारो, और तो कोई बची नहीं है मेरे ख्याल से, सारी हो गई हैं। अब इधर पहले इनको खाना खिला, इधर देखते हैं कोई है, नहीं है। अब हाँ, इसको इनको खाना खिलाते हैं, खाते जाएं। हो गया इन दोनों का, मतलब इन सबका हो गया, तो मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, ये बंद करो, इधर चलो, ये बंद करो। 3 शीप बची हैं, पहले इन दोनों की ब्रीडिंग करवाते हैं, इनका बच्चा होएगा, इसको बड़ा होने देते हैं। अरे भाई, सारी वो खा गया, तू बड़ा आ जा, तो ये चाहिए तुम दोनों में से किसी को, बड़ा तो हो जा भैया, बड़ा ही नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, चलते हैं। और नहीं, तू अंदर, नाइस। इधर अब इधर ना, मैं चारों तरफ वो लगा देता हूँ टॉर्चेस, ये एक इधर, और मैं इधर बीच में कुछ जगह, फिर इधर हो गया था, इधर और इधर, मैं चारों तरफ टॉर्चेस लगा दिए बांध के। अब मेरे हिसाब से तो कोई आना नहीं चाहिए, इनको मारते हैं। मेरे ख्याल से ना किसी के पास एन्चेंटेड बो थी, आ तो जानी चाहिए भैया, कोई हॉपर वर्क, ऐसे क्यों लग रहा है कोई हॉपर चल नहीं रहा है, देख पता नहीं भाई। एक तो ये ले लेते हैं, और बाकी तो हमें चाहिए नहीं। गन पाउडर हम शायद ले लें, क्योंकि इतने सारे माउंटेन जा कैसे तोड़ेंगे, गन पाउडर की वजह से तोड़ सकते हैं। तो अभी ऐसा करते हैं, ये इधर, और बस खाने को तो अभी बहुत सारा सामान पड़ा है, इतना सारा फूड है कौन खाएगा। ये हो गया, और वो बना लेते हैं किताबें, पर अब प्लैंक्स कम हो गए हैं, 7 प्लैंक्स हैं, तो मैं कभी ऑफलाइन जाके ना सारे प्लैंक्स ले आऊँगा, मतलब वुड ले आऊँगा, तो बनाएंगे फिर। अभी 49, और इतने में एक ही बुक बनेगी, ठीक है। अभी इधर डालते हैं इसको, और ये इधर, या दैट्स ऑल अभी के लिए, कन्वर्ट करते हैं, 2 बज गए हैं टॉर्चेस, और इसको लगा देते हैं हम बुक को इधर। अब ये कितना, थोड़ा तो कन्वर्ट होना चाहिए, पता नहीं। तो अभी मैं देखता हूँ विलेजर्स बचे भी हैं, क्योंकि मैं इतने दिनों से कभी सोता हूँ कभी नहीं सोता, तो क्या पता विलेजर्स मर भी गए हों ज़ॉम्बीज़ की वजह से।
तो पहले जाके देखते हैं विलेजर जिंदा भी हैं कि नहीं। ये पिलेजर्स को तो मार सकता हूँ मैं। मारो भाई इनके हेड को नहीं मार सकता मैं, क्योंकि इनके हेड के पास वो होता है ना, क्या कहते हैं, इनके हेड को मारूंगा तो मुझे रेड का साइन लग जाएगा। इनको तो मार सकता हूँ मैं। ये मार दिया मैंने इसको। ये भी मर गया। और अभी ये खाते हैं। और मुझे जैसे तैसे करके मेंडिंग चाहिए, सबके ऊपर मेंडिंग लगाऊंगा पहले तो मैं। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे हम। पहले ऊपर चलते हैं। एक विलेजर तो दिख गया मुझे, इसके अंदर मेरा सारा पहले का सामान पड़ा हुआ है। इधर कुछ पड़ा है क्या? नहीं, इसके अंदर से अभी मुझे कुछ ये तो चाहिए, यही चाहिए मुझे। ये भी ले लेते हैं और ये रेड स्टोन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। हाँ तो मेरे ख्याल से सब कुछ है हमारे पास। ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। चलो जी, पुराने घर से सारा सामान ले लिया अपने। और ना मेरे पास सबसे अच्छा आइडिया है, मैं ना इनका एक घर तोड़ देता हूँ, ठीक है जी। और इनके वो वाले घर से मैं ले लूँगा। इतने सारे इनके पास गोलम पड़े हैं, तीन तीन गोलम तो इधर ही हो गए हैं। एक बार इनका पूरा घर तोड़ते हैं और उनसे मैं बोट बना लूँगा घर से, तो मैं आपको इनका पूरा घर तोड़ के मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे ये पूरा घर तोड़ते तोड़ते ना ऑलमोस्ट पूरा एक दिन निकल चुका है, और ये मैंने घर पूरा तोड़ दिया है, इसको फेंको। और मेरी एक्स भी टूट गई है, तो और कुछ नहीं होता। ये मैं जो जो मेरी चीज़ें नहीं चाहिए ना, वो मैं फेंक ही रहा हूँ। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और इसको भी फेंक देते हैं, इसको भी फेंक देते हैं। भाई टेराकोटा तो चाहिए नहीं हमें, और ये भी फेंक देते हैं। और क्या बचा? बाकी रख लेते हैं, बाकी सामान रख लेते हैं। बस हमारे पास अभी वो थी क्राफ्टिंग टेबल। ये क्या दे रहा है भैया, तुम क्या दे रहे हो? वीट के बदले दे रहा ना, हाँ तो वीट फार्म हम और बड़ा कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे हैं तो ऐसे ठीक है। उसके लिए कंपोस्टर चाहिए, कंपोस्टर बना लेंगे। क्या जा रहा है? तो पहले हम सारा वो हमारा घर कहाँ था? ये था ना हमारा घर, हाँ। तो इसके अंदर हम बनाते हैं एक क्राफ्टिंग टेबल तो बना हुआ है। बोर्ड बनाने के कितनी? 6 बोर्ड बना लेते हैं। एक एक बंदे को एक एक बोर्ड को हम लीज कर सकते हैं, ये देखना मैंने। अरे भैया बैठ जाना इधर भाई साहब, सही में बैठ जा। क्या जा रहा तेरा? बैठ जा भाई, अंदर जा, अंदर जा करके। सही में अगर, हाँ अब अगर मैं इसको लीश बनाऊँ, चले नहीं पहने की लीश है, नहीं मुझे जैसे तैसे ऐसे करके लेके जाना पड़ना है। तो लेके चलते हैं। इधर तोड़ना भी बड़ा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है जब गाड़ी इसके अंदर बैठे हो। तो मैं ऑलमोस्ट सारे जितने भी मैं कर सकता हूँ शिफ्ट करके मिलता हूँ आपसे मैं। तो गाइस अभी मैं एक विलेजर को लेके आया हूँ, और मुझे पता चल और मुझे याद आ गया मैंने तो अपने लिए घर नहीं बनाया, तो इसके लिए कैसे करूँगा? पर हम ना अभी इधर कोल ख़त्म हो गया, रुक जाओ एक सेकेंड। ये कोल हम इधर फेंकते हैं और इसको डालते हैं हम इधर। मुझे याद आ गया कि हम वो बना सकते हैं, ये तो ये बनाते हैं, इसको फेंकते हैं इधर, ये बनाते हैं। तो ये बन चुका है हमारा। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं। पहले तो अपनी सारी जगह खाली करते हैं, जो फालतू का सामान पड़ा है सब कुछ रखते हैं हम।
नहीं ये तो चाहिए हमें ना। ये फेंकते हैं, ये फेंक देते हैं, ये फेंक देते हैं, ये फेंक देते हैं। स्टिक रॉटन फ्लैश वगैरह तो इधर रख देते हैं। ये जाएगा इधर, ये इधर, ये इधर, ये भी मेरे पास साथ आएगा। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। स्टोन को हम इधर भेज देते हैं, इधर। चलो ऐसे हो गया ना, अभी हम इस जगह को थोड़ा वो कर देते हैं, ऊपर की तरफ कर देते हैं। हाँ तो इसको हम करते हैं ऐसे, इधर से काटते हैं पहले। तो तीन, तो फ्रेंड्स अभी ना मैंने ये बनाया, अभी रात हो गई थी तो मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, तो अभी मैंने खाली बस यही बनाया है। ऊपर ना आ जाए बस, चलिए भाई भाई, नहीं तो अंदर ही रहा। मैंने अभी ये बनाया है तो ना अभी सोते हैं, उसके बाद बताता हूँ कैसे करना है। अभी मुझे हॉर्स स्टोन चाहिए, तो हॉर्स स्टोन लूँगा तो फिर मैं उनकी एक तरह से सेक्शन बनाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने करना है। जैसे मान लो स्टोन नहीं है क्या मेरे पास? चलो ये इससे काम चल जाएगा। स्टोन भी है मेरे पास, कटर नहीं लगा हुआ क्या? ये नहीं लगा हुआ, ये चाहिए मुझे, क्योंकि इससे हर एक सिंगल ब्लॉक हो जाता है कट। इसको हम रखते हैं इधर, ये हो गया। और हमारे पास ज़्यादा कोल भी नहीं है क्या? नहीं भाई, कोल भी नहीं है। इसको रखते हैं इधर और ये लेते हैं और इसको इधर। मेरा आर्मर इंचांटेड है? नहीं भाई, मेरा आर्मर इंचांटेड भी नहीं है। अगर मैं अपना चेस्ट प्लेट करना चाहूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं गया जाऊँ इधर, चेस्ट प्लेट प्रोटेक्शन 2, मैं ऐसा करता हूँ अपना थोड़ा आर्मर भी इंचांट कर ही लेता हूँ। इसके अंदर बस मेरी HP जा रही है और लैपिस लाजुली जा रहा है, वो तो मिल जाएगा वापस। आर्मर 2 कर लिया, आर्मर 2 प्रोटेक्शन 2, फेदर फॉलिंग ज़्यादा ठीक रहेगी मेरे ख्याल से, और रेस्पिरेशन ये ठीक है। और बस और तो कुछ चाहिए नहीं, पूरा एन्चांटेड। और मैं शील्ड पे कर सकता हूँ, शील्ड पे शायद ही होए कोई, नहीं ना? हाँ, पर शील्ड पे हम अलग से मैं अनब्रेकिंग लगा सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। क्या करना था, मैंने लैपिस लाजुली रखना था वापस, और ये वापस रखना था। चलो जी, अब वापस उसके पास चलते हैं। बेचारा इधर ही वेट कर रहा है। उससे पहले ना कंपोस्टर बनाते हैं, कंपोस्टर की रेसिपी सीखते हैं कैसे। कंपास नहीं चाहिए हमें, कंपोस्टर देखते हैं इधर होना तो चाहिए। कंपोस्टर अरे भाई साहब, कंपोस्टर ही नहीं है। मैंने ये रेसिपी धीरे धीरे खुलती है ना, तो शायद मैंने कभी स्लैब्स बनाई नहीं है इसकी, पर ऐसा हो नहीं सकता। कभी ना कभी तो मैंने स्लैब्स बनाई होंगी इसकी। देख अब जाके देखा, ये खुली है कंपोस्टर की रेसिपी, अब जाके खुली है। तो इसके लिए क्या चाहिए, मेरे ख्याल से हॉर्स स्लैब चाहिए होगी ये। ओ भाई यार, दो बनाते हैं। मैंने अपना सारा कंपोस्टर में शिफ्ट कर दिया भाई साहब, कुछ नहीं होता, ये गलतियाँ होती हैं। इसको करते हैं इधर। भैया जी आप आ जाओ, आप इधर आ जाओ जी, इधर। अच्छा आगे समझ,
पहले मुझे उस विलेज से सारे कंपोस्टर वगैरह सब कुछ तोड़ना पड़ना है। तो मैं उस विलेज से सारे जितने भी वर्किंग ब्लॉक्स हैं ना सब कुछ तोड़ के आता हूँ मैं। तो गाइस मैं ना अभी एक और विलेजर को ले आया था इधर। हाँ ये मुझे दिख गए, ये रहे, ये दोनों विलेजर्स हैं। और मैं चाहता हूँ ये लैक्टन की जॉब ले ले, अच्छी बात है। अब इसने लैक्टन की जॉब ले ली है ना, लाइब्रेरियन की जॉब। अब मैं इसको कुछ भी मतलब लाइब्रेरियन का करवा सकता हूँ। तो और मैंने इसको दे दी थी वीट की जॉब, तो अभी मैं इसकी वीट की जॉब काट काट के कर जाऊँगा। जैसे मान लो मैंने, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि जो ये वीट का दे रहा, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी मैं अगर इधर जाऊँगा, पहले ब्रिक्स हैं ना मेरे पास, हाँ ये ब्रिक्स पड़ी हैं। तो भैया तुम नहीं कुछ कर सकते अभी, साइड साइड हो जाओ, साइड भाई साहब साइड हो जाओ। हाँ तो अभी मैंने ये लगा दिया और अब मैं ये लगा दूँगा। ये अभी मुझे वीट और इन दोनों के बदले दे रहा है। तो अभी मुझे कुछ और चाहिए अच्छी सी डील, तो मैं ऐसे करूँगा। अभी ये ठीक है, ठीक है जी। और जैसे ये सेम है, इसके साथ सेम चलता है। तो मैं अभी पहले अगर मेरे पास वीट पड़ा है, वीट लेके आता हूँ। और मुझे इनके लिए 3 से 4 बेड बनाने हैं। ये रहा मेरा वूल का, तो अब फ़ायदा आएगा। और ये सारा मैंने कहाँ यूज़ कर लिया, अरे भाई साहब सारा मैंने प्लैंक्स बनाने में यूज़ कर लिया। मैं इतना सारा वो लेके आया था भाई, क्या कर रहा हूँ मैं इसका। ये अभी के लिए तो 2 बेड बनाते हैं। और नीचे वो गर्म होने के लिए रखा है मैंने थोड़ा सा स्टोन, देखते हैं कितना। 56 स्टैक स्टोन हो गया है अभी के लिए, तो बहुत इनाफ है। इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा। अभी वापस आ गया, तो मैं ना अभी चलता हूँ वापस। आप में से जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये गलती से इधर लग गया। और मैं अभी अपनी बोट सारी रख देता हूँ, कि बोट से बहुत हौच पौच हो रहा है। और ये भी रख देते हैं। अभी हमें ये स्टोन का बनाना है, ये ठीक है। और इसका ना नहीं, ये भी जाते हैं। मैं थोड़ी स्लैब 10 स्लैब बना लेते हैं, 12 बन गई, चलो ठीक है, कुछ नहीं होता। 12 स्लैब बना लेते हैं। और क्या रहता है इधर मेरे पास, ये भी इधर रखते हैं। बेड हमारे पास 3-3 हैं, ठीक है। पहले हम खुद सो जाते हैं, बाद में इनको सुलाएंगे। ये हम सो गए, सो गए हम। और ये मेरे पास अभी कोई वीट नहीं है, पर हमारे पास है ये। और हमें अभी ना ये भी एक्सपेंड करना है अपना शुगर किंग फार्म। अरे भाई साहब, तो इसको लेके चलते हैं इधर और ये करते हैं ऐसे, चलते हैं इधर, इधर चले, इधर गए, इधर चले गए, इधर गए। और कुछ है नहीं, बस इतना तो ठीक होना है। मैंने 16 बुक बना ली हैं, 16 बुक ठीक होएंगी। ये सारा पेपर बनाते हैं, एक बच के कम इधर रख देते हैं। और हम पहले ना, ओ भाई भाई भाई, हाँ मुझे अभी आयरन का वो बनाना है, आयरन का ब्लॉक बनाना है। पहले अभी वेट करते हैं इसको वो होने में, अपग्रेड होने में। अब ये बुक्स के बदले भी ले सकता है, ये और अच्छी बात है। अगर बुक्स के बदले देखते हैं तो कितना लेता है। लैंटर्न नहीं, पहले तो ये लेते हैं। चलो जी, अभी लैंटर्न ले सकते हैं हम।
अभी तो मुझे कुछ लेना नहीं है, खाने का भी मेरे पास ठीक ठाक जुगाड़ है। अभी तो मैं इधर आया हूँ बस अपना ये ठीक करने जगह, तो मैं लूँगा ये ठीक है जी, और इसको मैं रख दूँगा क्योंकि अभी ये लॉक हो गया, अगर मैं तोड़ूँगा तब भी कुछ इसको कुछ नहीं होएगा। तो अभी मैं खाली ये वाला तोड़ूँगा। एक्चुअली ना मैं पूरा तोड़ना चाहता हूँ पर पूरा में ये निकल जाएगा, एक बार पूरा तोड़ते हैं और उसके बाद सिंपल वो क्लिक कर देते हैं। चलो जी अब पूरा तोड़ दिया, अब ना मुझे बस वेट कर रहा हूँ कि ये मैं इधर वो लगा पाऊँ बेड, नहीं ऐसे नहीं, तो इसको तोड़ते हैं अभी के लिए। और तू भैया जा बाहर, चल जाना बाहर, चल जा जंप मार, जंप आ जा भैया बाहर, ये तेरा हो गया और तेरा बेड भी इधर ही लगेगा साथ में। भैया तुम्हारा बेड ये रहा, ठीक है तेरा इधर लग गया, ये इधर, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से कैसा जाएगा ये, बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा ये वैसे। सुलाते नहीं है क्या इन लोगों को, सुला लेते हैं, सुला देंगे इन लोगों को, पर हम ना ऐसे नहीं करते हैं, हम ऐसे एक एक ब्लॉक छोड़ते हैं, क्लियर करते हैं, और जिनका है ना, जैसे इसका है ये और इसका है ये, तो सबको अपने अपने उसके सामने रख देते हैं और बीच में एक बेड रख देते हैं, और वो बेड ना इनके बच्चों के लिए होएगा। ये पकड़ते हैं, ये हो गया, अब ये सो सकते हैं, बस मुझे रात का वेट करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लाइब्रेरियन सोए इधर ही और वो कहीं और सोए। मैं सोच रहा हूँ लैंटर्न ले ही लेते हैं, इधर के लिए ले लेते हैं, रुक जाओ देखता हूँ, और मैं हिसाब से लैंटर्न लूँगा, ऐसा नहीं है कि लेते रहूँगा पर लेने तो पड़ेंगी। तो ये देखो अंधेरा हो जाता है, और अगर मैं ये निकाल दूँ सारा तो ये तो पूरा ही अंधेरा वाला रूम बन जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं बनाना। तो मैं लेता हूँ एक दो लैंटर्न लेके देखता हूँ फ़र्क पड़ता है कुछ। अरे भाई साहब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क। तो मैं इसे ले लेता हूँ, कितने के, छः ले लेता हूँ, एक दो तीन चार मैंने ये ले लिए। अब मैं अगर इधर एक दो तीन चार और कहाँ लगाऊँगा, इनके बीच में लगा देते हैं, एक दो तीन इधर आ जाएगा, और उसके बाद एक दो तीन ये इधर लगा देते हैं, एक उसके सामने लगाते हैं, और हमें दो हर चाहिए, उसने अपने प्राइस कम कर दिए, एक दो तीन। अब इसका अपग्रेड होने का वेट करते हैं, ये रिलेंटेंस प्लीज़ अपग्रेड होके कोई अच्छी सी बुक दें। रेस्पिरेशन 2 ये ठीक भी है और गंदी भी नहीं कह सकते, पर चलो कुछ नहीं होता। पहले अभी हम ये लगा लेते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, ये जाएगा इधर और ये वाला भी जाएगा इधर, और मैं सोच रहा हूँ कि दोनों के बीच में एक और लगा देते हैं, ये इधर होएगा मेरे ख्याल से, हाँ ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं इनके लिए अभी बाद में डोर लेके आऊँगा, ये देखना इसका क्या से ज़िगज़ैग आ रहा है, अगर तोड़ने का है तो उसका एकदम प्लेन आता है। कर लो बच्चे कर लो, मैं जाता हूँ, ये बंद कर देते हैं, बच्चा ना निकल जाए।
इसको तोड़ते हैं और मैं ऑफलाइन जाके ना और ले आऊँगा बंदे। और मैं ऑफलाइन जाके ना पहले बता रहा हूँ आपको, ऑफलाइन जाके मैं ये सारी केव्स वगैरह ना वो कर दूँगा, एक्सप्लोर कर लूँगा। अगर मुझे कुछ जैसे मान लो बहुत अनोखा मिलेगा, डायमंड मिल जाएंगे या कोई और अनोखा क्रिएचर मिल जाएगा, तब जाके आपको दिखाऊँगा। और मैं ऑफलाइन ही जाकर ये सारा मैं ये फार्म ना जैसे डबल कर दूँगा, जैसे बड़ा है ना इस और बड़ा कर दूँगा और वो भी बड़ा कर दूँगा। और तो कुछ बचा है नहीं, ये विलेजर्स मैं अगली वीडियो में आपके साथ ही लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।